आज हम मौजूद हैं राजधानी के हाई फाइव स्टूडियो में, जहां पर गीत संगीत का कार्यक्रम चल रहा है। बहुत से कलाकार मौजूद हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं जितेंद्र कपूर जी। जितेंद्र कपूर एक ऐसा नाम है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। उनकी आवाज़ ही उनका परिचय है और लोग तो उनको महेंद्र कपूर जी का भाई कहते हैं, चाचाताऊ में। आप भी सुनेंगे तो उनकी आवाज़ हूबहू महेंद्र कपूर जी से मिलती है। जितेंद्र कपूर जी, रूबरू कार्यक्रम आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। आप महेंद्र कपूर जी को हूबहू गाते हैं, लोग यदि आंखें बंद करके सुने तो कोई फ़र्क नहीं नज़र आएगा सुनने में। ये सब कहाँ से सीखा आपने? ये बचपन से मैं सुनता चला आ रहा हूँ, महेंद्र कपूर जी को, मोहम्मद रफ़ी साहब को। बाकी ये तो सरस्वती माँ का आशीर्वाद है कि मेरे को वो गला दिया है उन्होंने, और वो ऐसा बेस दिया है कि मैं उसको गा सकता हूँ। और गाने का शौक़ कब से लगा? गाने का शौक़ तो मुझे बचपन से ही है, लेकिन उसको स्टेज पे मैं अभी सिर्फ 2 साल हुए हैं मैं लाया हूँ, और बस धीरे धीरे उसको बढ़ा रहा हूँ। अभी बाकी आपका आशीर्वाद रहो, हम और आगे जाएंगे। बहुत खूब। आपके जो ड्रीम्स क्या हैं सिंगिंग लाइन में? हम चाहते हैं कि बस लोग हमें पहचानें और देखें कि कोई एक और सिंगर जितेंद्र कपूर नाम का भी है, मेरी अपनी पहचान हो। ड्रीम यही है। हम चाहते हैं 2 लाइन इसी गाने के हमारे दर्शकों को सुनाएं प्लीज, जो अभी गाया था। आँखों में कयामत के काजल, होठों पे गजब की लाली है, बंदा परवर कहिए किसकी तकदीर संवरने वाली है। आँखों में कयामत के काजल। हमारे साथ मौजूद हैं एक महान समाज सेवी और एक मशहूर सिंगर भी, वीपी सचदेवा जी। सचदेवा साहब, क्या कहेंगे जितेंद्र कपूर जी के बारे में, जो हूबहू गाते हैं महेंद्र कपूर जी? सबसे पहले तो आपको मेरी ओर से नमस्कार। जो आप अपने रूबरू चैनल के थ्रू हमारे इस सारे म्यूजिकल प्रोग्राम को फैलाते हो। जितेंद्र कपूर जी मेरे नेबर भी हैं और मेरे भाई के समान हैं। ये बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ, म्यूज़िक लाइन में इतने मगन हैं। अभी बीच में थोड़ा ब्रेक आ गया था, इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, मगर जब भी ये कोई भी अपना गीत गाते हैं तो इतने दिल से गाते हैं, बस मैं क्या बताऊँ। इनकी तारीफ आपने सुनी लिया कि इन्होंने कहा कि महेंद्र कपूर, हमने बोला महेंद्र कपूर नहीं जितेंद्र कपूर जी, जय हो, जय ही रहेगी जी इनकी, ऐसे करते रहेंगे। और इन्होंने आप पूछो कहानी तो ये आपने बिल्कुल सही कहा कि ये दिल से गाते हैं और गाने में इतना खो जाते हैं ये कि लगता है कि ये किसी को एड्रेस करके गा रहे हैं। ये बहुत बड़ी खूबी है इनमें, इसके बारे में कहते हैं। देखो, मैंने जब भी शर्मा जी इनका गाना सुना, ये भी भली भांति जानते हैं कि उस गाने में इतने मग्न हो जाते हैं ये और इतने दिल से निकालते हैं उसकी आवाज़ को कि बस सुनने वाला एक घड़ी के लिए तो सोचता क्या यार। और यही इनकी मेडिटेशन का मतलब साधन है। वैसे तो इनकी तबीयत ढीली बहुत हो गई थी, मगर इन्होंने संगीत को नहीं छोड़ा, और संगीत एक तरफ और दवाई एक तरफ, दवाई कम खाई संगीत ज़्यादा गाया, तो आप देख लो ये बिल्कुल फिट हैं। और भगवान से यही हमारी प्रार्थना है कि यूं ही फिट रहें, और हम भी इनको देख देख के बहुत चीज़ें सीखते हैं। बहुत खूब, हमारी भी शुभकामनाएँ, हमारी दुआ भी हैं आप जल्दी से स्वस्थ हो जाएँ, और जिस तरह से आप लोगों का मनोरंजन करते हैं इसी तरह करते रहें, लोगों को खुश रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैमरामैन ओपी शर्मा के साथ वीपी शर्मा, INS। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और बबीता जी में फिल्माया हुआ फिल्म किस पद से 1967 में आई थी फिल्म।
कहते हैं मगर हालात मेरे या अपने से डूब हैं, या अपने से डूब हैं, या मेरी नजर मतवाली है। जय महेंद्र कपूर।